365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। ज्ञान महिला समिति के चंपा सिंह और अन्य सदस्यों ने वार्ड नंबर 4 के पास सुतिया में 40 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण बुजुर्गों के सम्मान में सर झुका और फूल वर्षा करते हुए माला पहनाते हुए किया। समिति के संस्थापक विनोद जायसवाल ने कहा कि समिति के द्वारा निरीक्षण कर गरीब परिवारों को लॉकडाउन में चिन्हित कर लगातार खाद्य सामग्री दी जा रही है। रामगढ़ के सभी वार्डों में महिलाओं की एक टीम दौरा कर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, किराएदार हैं, गुपचुप बेचने वाले हैं, मजदूर हैं, वैसे परिवारों को चिन्हित कर खाद्य सामग्री दी जा रही है। इस नेक कार्य में समाज सेवी संजय जायसवाल, नरेश साहू, भानु दीदी, चंपा दीदी, रानी दीदी सहयोग दे रही हैं। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ ब्यूरो, शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट। समिति से बोल रही हूँ, संस्थापक विनोद जायसवाल जी हैं। आज मुंडा टोली वार्ड नंबर 5 में 4 में हम लोग राशन वितरण किए हैं और यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में हम लोग राशन वितरण किए हैं। हम लोग ये चिन्हित करके राशन दे रहे हैं जिनके यहाँ राशन कार्ड नहीं है और जिनके यहाँ जरूरत है, जिसके यहाँ कोई और उपाय नहीं है राशन, और नाम लिख लिख करके हम लोग राशन वितरण कर रहे हैं ताकि यह सही जगह जाए और सही लोग को पेट भर सके और घर घर में चूल्हा जल सके। ये कार्य को हम सब महिलाएं और विनोद जायसवाल जी मिल करके कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करते रहेंगे जब तक लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये कार्य हम लोग कर रहे हैं और आखिरी तक हम लोग करते रहेंगे। समिति के संस्थापक श्री विनोद जायसवाल के नेतृत्व में वार्ड नंबर 4 रामगढ़ मंडा टाड़ में अनेकों महिलाओं को सूखा खाद्यान्न राशि देने का काम किया गया है और ये कार्य श्री विनोद जायसवाल के माध्यम से हुआ है और इसके लिए सबसे पहले संस्थापक विनोद जायसवाल को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछले लगातार 20 वर्षों से इनका कार्य इस तरह से चल रहा है और ये लगातार महिलाओं के प्रति जागरूक का भी कार्य कर रहे हैं। और आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में देखा गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 गज की दूरी आपस में बनाए रखें ताकि इस हम बीमारी से लड़ सके, इस बीमारी को अपने आप से हम भगा सके। वार्ड नंबर 5 की समाज सेविका हूँ और हमारे संस्थापक विनोद जी जायसवाल हमारे संस्थापक हैं और उनके थ्रू ये कार्य वार्ड नंबर 4 मुंडा टोली में किया जा रहा है और हम लोगों ने डिस्टेंस बना के लोगों को माला पहना के फूल वर्षा के उनका सम्मान करके ये खाद्य सामग्री दिया गया है। संस्थापक आज वार्ड नंबर 4 के मंडा तार में सैकड़ों की संख्या में गरीब महिलाओं को खाद्य सामग्री देने का कार्य को किया गया है। इसके साथ साथ महिलाओं के सम्मान में लोगों को जो है माला पहना के सम्मानित करने का कार्य किया गया है। इसके साथ साथ फूलों की वर्षा की गई है। इसके साथ साथ हमारे समिति के माध्यम से सभी महिलाओं को माथा झुकाकर प्रणाम करने का कार्य को किया गया है ताकि महिलाओं को ये ना लगे कि हम गरीब हैं या गरीब परिवार में आते हैं। लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि माँ आज लॉकडाउन के कारण जो है आप लोग को ये स्थिति परिस्थिति बना है जिनके कारण आज आप लोग को 5 kg अनाज के लिए आगे आने की आवश्यकता पड़ा है। हम लोग कोई नेता नहीं, हम लोग कोई मुखिया नहीं, हम लोग आपका बेटा है, बेटा बन के हम लोग आज आपको मदद देने का कार्य को किए हैं और आगे भी लॉकडाउन जब तक रहेगा या लॉकडाउन नहीं रहेगा उसके बावजूद भी जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक आप लोगों सेवा में हम लोग आजीवन तत्पर खड़ा रहेंगे। चाहे वो बेटी के शादी के बात है, विवाह है, अर्खी हो, मरखी हो, बर हो, बीमारी हो, कोई भी काम पड़ेगा तो हम लोग एक बेटा बन के हम लोग मदद देने का कार्य को करेंगे।